ऐसे क्यों देख रही है मम्मी? जी भर के अपनी बेटी को देखना चाहती हूँ। क्यों? मैं यहीं तो हूं आपके पास। तनी फिर मैं ना रहूं शायद। ये कैसी बातें कर रही हैं? थोड़ा सा बुखार ही तो है मम्मी, आप इतनी मायूसी की बातें क्यों कर रही हैं? जिंदगी का क्या भरोसा है बेटा, देखा नहीं तुम्हारे बाबा भी कैसे अचानक चले गए। मम्मी प्लीज, ना ये मैं बात सुनना चाहती हूँ ना सोचना चाहती हूँ, आप प्लीज दोबारा मत दोहराइएगा। सूपी है क्या बातें हो रही हैं? भाई देखिए ना, मम्मी पता नहीं कैसी बातें कर रही हैं। अच्छा बाबा नहीं करूंगी। वो बेटा तुमने नोटिस भिजवा दिया? जी मामा कल भिजवा दिया था, आज तो मिल भी गया होगा। मैं चाहती हूँ बेटा कि जल्द से जल्द मैं हानिया की शादी करवा दूँ। आपने मुझे जिम्मेदारी सौंपी है ना, अब आप बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाए, ये काम हो जाएगा और इंशाल्लाह आपकी ये ख्वाहिश भी बहुत जल्द पूरी हो जाएगी। और वैसे भी मैं कल के बाद 15 दिन की लीव ले रहा हूँ ताकि मैं खुद वकील के साथ बैठूँ और सब काम ठीक से हो जाए। आजकल वैसे भी काम का बर्डन थोड़ा कम है। अब मैं ऑफिस के लिए निकलता हूँ, अपना ख्याल रखना आपने। ओके खुश रहो बेटा, खुश रहो हमेशा। खुदा हाफिज। भाभी आप जाके नाश्ता कर लें, जन्नत भी आपका इंतजार कर रही है। मम्मी के पास मैं बैठ जाती हूँ, मैंने नाश्ता कर लिया। नहीं ब्रेकफास्ट भी हो जाएगा, पहले मैं मम्मी को खुद अपने हाथों से सूप पिलाऊंगी ताकि कोई बहाना ना चले। चल लूंगी। पूरा फिनिश करना आपने, कोई बहाना नहीं मम्मी, थोड़ा सा। परेशान लग रही है नूरी, अब संभाल ही नहीं जा रही, बहुत मुश्किल हो रहा है। वो जानती है कि आप डर गई हैं, इसीलिए आपको ब्लैकमेल कर रही है। हाँ डरना भी चाहिए, वो सब कुछ आज़र के आगे उगल सकती है। हाँ तो उगल दे, आज़र कौन सा इतना बेवकूफ है जो उस नूरी की बातों में आ जाएगा। नहीं नाज़र, नूरी को इतना हल्का मत ले तू। मैंने कहा ना कि आप मत डरें, क्योंकि जितना आप डरेंगे ना वो उतना ही आपको डराएगी। खैर अभी तो मैंने उसको टरखाने के लिए और चुप कराने के लिए कह दिया है कि मैं घर उसके नाम करूँ। घर तो आप तब नाम करेंगी ना जब पेपर्स मिलेंगे, अभी तो आपका खुद का घर आपके नाम पर नहीं है। वो तो जुबानी तौर पर बुढ़े ने कहा था कि हमारा पोर्शन अब्बू के नाम कर देंगे। मुझे नहीं समझ आ रही, मेरा सर मत खा, वैसी परेशान हूँ और कयामत हूँ।